बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि स्टोर बॉट लहसुन के पेस्ट और अदरक के पेस्ट की तरह हम घर में इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यूजुअली तमाम घरों के अंदर लहसुन को ग्राइंडर में डाल के पानी डाल के ग्राइंड कर लिया जाता है, लेकिन मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि इसे ज़्यादा दिन के लिए प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है जिससे इसका टेस्ट जो है वो चेंज ना हो, ना ही इसका कलर चेंज हो। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये हाफ के जी लहसुन है, ये हाथ का छिला हुआ है, किसी भी केमिकल से छिला हुआ नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा और ये क्वार्टर कप डिस्टिल्ड विनीगर या वाइट विनीगर है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ग्राइंडर के जग के अंदर लहसुन डाल दिया है, उसके बाद इसके अंदर जाएगा सॉल्ट और उसके बाद इसके अंदर जाएगा विनेगर। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जनाब, आप देख लीजिए कि मैंने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूं, कलर भी दिखा दूं। आप देख लीजिए ये कितना अच्छा स्मूथ बिल्कुल और ब्राइट कलर का पेस्ट जो है वो रेडी हुआ है। अब सिंपली क्या करना है कि इसे इसी तरीके के ग्लास कंटेनर्स के अंदर हमें भर के रखना है। दो तीन जितने कंटेनर्स के अंदर ये आपके आ जाए, आप इसे भर के और एक कंटेनर यूज़ के लिए निकाल लीजिए, फ्रिज में रखिए और बाकी दो फ्रीज़र में डाल दीजिए। जब पहला ख़त्म हो जाए तो दूसरा थॉ करके इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए, बहुत दिन तक आपका ये चलेगा। तो जनाब, अपने घर में फ्रेश गार्लिक से गार्लिक पेस्ट बनाइए और स्टोर बॉट महंगे और प्रिजर्वेटिव्स के साथ बने हुए गार्लिक पेस्ट से दूर रहिए, क्योंकि वो मुज़रे सेहत भी हैं और महंगे भी हैं, आपके बजट पे आपकी जेब पे भारी पड़ते हैं। ये इजीली बनाया घर में जा सकता है, तो इसे फॉलो कीजिए रेसिपी को। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए। मेरा एक डेली मोशन चैनल है, मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।